SBSP President Om Prakash Rajbhar, meanwhile, is not going to Delhi. He said they have got what they asked for. My colleague Abhishek has spoken with him. सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है। उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर फैसला लिया जाना है जिनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, चाहे वो कैसरगंज सीट हो, सुल्तानपुर हो, या बात की जाए पीलीभीत की। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कई सारे लोगों के नाम पर संशय है, कम मार्जिन से वोट थे उनके या कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, उनके नाम बदले भी जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगे क्योंकि कई घटक दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं वहाँ। भाजपा की बैठक है और अपने टिकट भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, जिसको दे ना दे काटे तो अपना उनका है विषय, हमारा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। एक और चर्चा तेज हो गई है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी आज जा रहे हैं दिल्ली। उनका कहना है कि जैसे आपको अपनी पार्टी के सिंबल से टिकट मिला है वैसे उनको भी मिलना चाहिए। हालांकि उनके बेटे प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाजपा के सिंबल से टिकट दिया है। तो ये महत्वाकांक्षाएं एनडीए के घटक दलों की बढ़ रही हैं आपको देख करके, ये आने वाले समय में खतरनाक तो नहीं हो जाएंगे? और अब ये उनका विषय है, अब वो नेतृत्व से बात करें। अब जिस तरह की बात लोग अपना किए होंगे उस तरह के फैसले वहाँ से मिलते हैं। ये बात पहले ही करनी पड़ती है, लेकिन भाई आप जब आप समझौता किए तो आपको ये बात तय कर लेनी चाहिए ना। और पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, सांसद 5 साल रहे, तो उनका विषय है, वो अपना जाने। ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर जो संशय बना हुआ है वो कांग्रेस आज खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी नहीं तो कोई और चुनाव लड़ सकता है। दीपक सिंह के नाम को लेकर चर्चा है तेज, वो उनका विषय है, उस पर हमसे क्या मतलब है, किसी को लड़ा में उनका विषय है। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश जी कल मुंबई नहीं गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी। तो जिस तरह से उनका चुनावी एक्सपीरियंस चल रहा है या जिस तरह से अलग तरीका के एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कई सारी सीट्स पर डमी कैंडिडेट अभी फिलहाल अनाउंस कर रही है और जब भाजपा अपने टिकट अनाउंस कर देगी तो वो टिकट बदल देंगे, कई जगह बदल भी रहे हैं टिकट। हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। एक आखिरी सवाल है ओम प्रकाश राजभर जी, सवाल सीधे तौर पर चुनाव की रणनीतियों से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज पार्टी घटक दल के तौर पर भी भाजपा की किस तरह से मदद करने वाली है, किस तरह की रणनीतियां बना रहे हैं और आने वाले वक्त में जो गठबंधन या बाकी राजनीतिक दल जिस तरह चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग किस तरह से काम करेंगे? कि हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, सो जाते हैं तो बंद, जग जाते हैं तो बराबर हम लोग चुनाव की तैयारी में रहते हैं। विपक्ष चाहे जितना कुछ कर ले कोई दम नहीं है, पूरी ताकत के साथ एनडीए चुनाव मैदान में है और चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे जो बता रहे थे कि कैसे बाकी राजनीतिक दलों को जब गठबंधन करना होता है तब वो उसी समय तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। पिछली बार प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़े थे इसीलिए उन्हें दोबारा सिंबल दिया गया, बाकी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कोर कमेटी की बैठक है, भाजपा जो भी तय करेगी अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने कैंडिडेट के हिसाब से, वो सर्वमान्य होगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.